News 18, India. कभी कभी रियल लाइफ की चीजें रियल लाइफ में भी हो जाती हैं, मतलब वो चीजें जो हम अमूमन फिल्मों में देखते हैं वो हमारी आंखों के सामने होती हैं। इसराइल हमास जंग के दरमियान भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। इस वीडियो को पहले आप गौर से देखिए, वीडियो समझाती हूँ, फिर इसके पीछे की स्क्रिप्ट भी आपको समझाऊंगी। सीसीटीवी फुटेज ये आप देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको हाथों में बंदूक लिए कुछ लोग दिखाई देंगे। शुरू शुरू में आप देखेंगे तो शायद आपको ऐसा लगेगा कहीं ये कोई आतंकी तो नहीं है, कोई क्रिमिनल तो नहीं है, तभी तो हाथों में बंदूक लिए ये अंदर प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन फिर गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे जो ड्रेसअप इन्होंने किया हुआ है वो तो डॉक्टर जैसा है, नर्स जैसा है, हॉस्पिटल स्टाफ जैसा है। ये दोनों कैसे संभव है? डॉक्टर और नर्स के हाथ में बंदूक कहां से दिखाई दे रही है? दरअसल ये लोग हमास के आतंकियों को ढूंढने का काम कर रहे हैं और ये हाथों में बंदूक लिए अंदर प्रवेश करते जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये इजरायल के कमांडो हैं, सैनिक हैं इजरायल के। एक हॉस्पिटल जेनिन इलाके में इब्न सिना हॉस्पिटल, जिसके अंदर हमास के आतंकी बैठकर ठीक वैसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे जैसे 7 अक्टूबर को इसराइल के ऊपर हमास ने आतंकी हमला किया था और उसी को नस्तनाबूद किया है यहाँ पर इसराइल के कमांडो ने। 3 आतंकी मारे गए हैं, इसमें 27 साल का एक आतंकी मोहम्मद जालमना है, 2 उसके सहयोगी हैं। मोहम्मद जालमना के ऊपर आरोप इसराइल की तरफ से ये लगाया गया है कि वो एक बार फिर से 7 अक्टूबर जैसा कांड इसराइल के अंदर करना चाहता था और उसकी पूरी प्लानिंग यहाँ हॉस्पिटल के अंदर से बैठा बैठा वो कर रहा था। अच्छा, इसके पहले भी इसराइल के सैनिकों ने जितनी बार हमास में या फिलिस्तीन के अंदर घुस करके किसी भी हॉस्पिटल को निशाना बनाया है उसका सबूत बाकायदा पेश किया है कि कैसे ह्यूमन शील्ड की तरह वहां इंसानों को इस्तेमाल किया जाता है, कैसे स्कूल का, कॉलेज का, हॉस्पिटल का इस्तेमाल किया जा रहा है आतंकी गतिविधि को बढ़ाने के लिए। एक बार फिर से वही काम हमास की तरफ से किया जा रहा था और इसराइल का कहना है कि इस तरह से उसके कमांडो ने हॉस्पिटल में प्रवेश करके 3 आतंकियों को मौत के घाट उतारा और वो जो पूरी प्लानिंग थी हमास के आतंकियों की उन्हें नेस्तनाबूद किया। अब रोना धोना फिलिस्तीन की तरफ से भी मचाया जा रहा है। पूरी विश्व बिरादरी को फिलिस्तीन अब ये कह रहा है कि रोका जाए इसराइल को, इस तरह से बार बार वो जैसे हमला कर रहा है, निशाना बना रहा है उनके आम नागरिकों को, तो ये गलत है। किसी भी तरह की जंग के नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर ये काम किया जा रहा है इसराइल की तरफ से, क्योंकि ये नियम होता है कि जंग के दरमियान भी आप स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल को निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन फिलिस्तीन ये कह रहा है इसराइल ने ये काम किया है पहले भी और अभी भी वो ये काम कर रहा है। उधर इसराइल ये कह रहा है कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल में बैठकर फिलिस्तीन के हमास के जो आतंकी हैं वो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। हालांकि इस बार किसी भी तरह का कोई सबूत पेश नहीं किया गया है इसराइल की तरफ से, मतलब इसके पहले इसराइल ने जितनी बार भी हॉस्पिटल में घुसकर अपनी किसी भी प्लानिंग को अंजाम दिया है तो उसका बाकायदा सबूत पेश किया जाता रहा है इसराइल की तरफ से। इस बार ऐसा कुछ नहीं किया गया। ये हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें इसराइल के जो कमांडो है वो यहां वहां भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और अंत में जो खबर आई वो यही कि जालमना को मार दिया गया है, ये आतंकी है हमास का, इसके साथ 2 आतंकी और मारे गए हैं। और इसी के साथ इसराइल पूरे विश्व को ये समझा देना चाहता है कि आतंकी जहां पर भी छुपे होंगे हमास के हम उन्हें ढूंढकर मारेंगे, अब वो चाहे हॉस्पिटल में हो वो चाहे स्कूलों में हो। तो किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि अभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी हमास की। और ये जो तस्वीरें हैं ये देख करके हर कोई चौंक गया कि कैसे हॉस्पिटल के अंदर घुस करके, हमास के अड्डे में घुस करके और कैसे उसके आतंकियों का खात्मा किया है इसराइल ने। और तस्वीरें तो बिल्कुल फिल्मी हैं।